असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी पूरी कर ली है। पार्टी बिहार, यूपी और महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में ताल ठोकने जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव में वो उत्तर प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर बात बिहार की करें तो ओवैसी 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ओवैसी की पार्टी बिहार की किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा और बक्सर जैसी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। तो हम लोगों ने 11 सीटों पर बिहार में लड़ने का फैसला किया है। 4 सीटें हमारी सीमांचल की, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। यहाँ से मैं घोषित प्रत्याशी भी हूँ। कटिहार से आदिल हसन साहब को इलेक्शन लड़ने का बड़ा दबाव था, उनका नाम पेश किया गया है। और बक्सर से, काराकट से, गया से, मुजफ्फरपुर से, उजियारपुर से, दरभंगा से और भागलपुर से हम लोग इन लगभग 10-11 स्थानों पर हम लोग इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। ओवैसी ने बिहार के किशनगंज से अख्तरुल ईमान को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कटिहार से आदिल हसन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बिहार के मुस्लिम इलाकों में ओवैसी का हाल के सालों में अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिला है। पार्टी का दावा है कि उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की कोशिश की ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव न होने पाए, लेकिन बात नहीं बन पाई। बाद में अकेले ही मैदान में उतरने का फैसला किया। AIMIM नेता RJD का नाम लिए बगैर कहते हैं कि उनकी पीठ पर खंजर घोंपा गया, उनकी पार्टी के विधायक तोड़ लिए गए। AIMIM के बिहार में चुनाव लड़ने के ऐलान से महागठबंधन के खेमे की चिंता बढ़ गई है। दरअसल बिहार के मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल में ओवैसी की पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। कोसी और सीमांचल में 36.86% वोट अल्पसंख्यकों के हैं। यहां ओवैसी ने 5 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था। अलग अलग उपचुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम वोटों में सेंधमारी की। वैसे बिहार में मुस्लिम परंपरागत रूप से लालू यादव के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन कुछ सालों में ओवैसी ने अल्पसंख्यक वोटों को अपने पाले में लाने में कामयाबी हासिल की है। ऐसे में आने वाले दिनों में आगामी लोकसभा चुनाव में उन्हें इसका फायदा मिल सकता है। भाई, बिहार में और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के तहत शामिल होने का इरादा किया। हर चंद के इन लोगों ने हमारे सीने पे खंजर भी घोपा, हमारे लोग तोड़ लिए गए, लेकिन राष्ट्र हित में, दलितों के हित में, अकलियतों के हित में ज़रूरी है कि मैं उनका साथ देता। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन अब भी ढाक के 3 पात हैं। ये सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि दलितों और अकलियतों का वोट लें, लेकिन इनको कहीं भी प्रतिनिधित्व में हिस्सेदारी न दें, तो ये बड़ी दुख की बात है। बिहार में ओवैसी साहब 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रहे हैं BJP को फायदा पहुँचाने के लिए। इस बार हमारे अल्पसंख्यक भाई इनकी चाल समझ चुके हैं और ये BJP की बी टीम बन करके BJP को मदद पहुंचाने का काम करते रहे हैं। इस बार जनता इनको सबक सिखाएगी। अल्पसंख्यक भाई कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे और सीधे जो दो धाराओं के बीच लड़ाई है, आर और पार की लड़ाई है, देश, लोकतंत्र, संविधान बचाने की, इसलिए इस बार बिहार से BJP का खाता नहीं खुलेगा। चाहे वो जो भी अपने बी टीम को उतार करके फायदा लेना चाहते हो। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में रैली और यात्रा कर बड़ा संदेश पहले ही दे दिया है कि उनके लिए बिहार का क्या महत्व है। माना जा रहा है कि AIMIM के निशाने पर RJD ही ज्यादा रहने वाली है। चुनाव आज तक।